आपको बंगाल खतरे में नजर आ रहा है। बंगाल तो खतरे में नजर आएगा ही जब आपकी नेताइन कोकिन खाते हुए पकड़ी जाएंगी। नेताइन क्या कर रही है कोकिन खाते हुए? ये खेला तो होवेगा और इस खेला में जीत होगी हवाई चप्पल वालों की, समझ रहे हैं? सूट बूट वाली सरकार, सूट बूट वाली सरकार का पूर्ण रूप से क्रियाक्रम हो रहा है। आप ये देखिए, एक हवाई चप्पल वाली ने, कोल्हापुरी चप्पल वाली ने सूट बूट वालों की हवा टाइट कर रखी है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में गाय जो गौ माता जो हो जाती है वो आपकी मम्मी हो जाती है, और गोवा में वो खाने में यम्मी हो जाती है, हैं? अभी तो मिथुन चक्रवर्ती कह ही रहे हैं, आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे कोबरा। तो कोबरा से आप समझिए, कहीं कोबरा कहीं मोदी जी को न डस ले। घर की छत के हम चार पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। एक पिलर भी अगर गिरेगा ना तो पूरी छत ढह जाएगी, तो इस छत को ढहने नहीं देना। कलकत्ते में नंदीग्राम भी आप गए थे जी, तो क्या ममता बनर्जी से कोई सपोर्ट है आपको क्या? एक बात आप मुझे बताइए, हर खांसने वाला क्या केजरीवाल ही होता है देश में? अगर हर खांसने वाला केजरीवाल हो तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा केजरीवाल खड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर देश के जितने भी किसान आए हैं तो उनके घर से क्या कोई चुनाव लड़ रहा है? वो इसलिए आए हैं अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए देश के किसान, कि कोई भी सरकार अगर देश में किसानों को परेशान करेगी तो उसका राजनीतिक वर्चस्व भी देश से मिटा दिया जाएगा। इसलिए देश का किसान उठ के कलकत्ता आया हुआ है। आना गलत है क्या? अपराध है कोई आना? नहीं आ सकते। हवाई चप्पल से, इस हवाई कोल्हापुरी चप्पल से सूट बूट वाले इतना डर रहे हैं कि किसी का तो हेलीकॉप्टर ही ऊपर घूमता रहता है, नीचे ही नहीं उतरता, और किसी की मैं कुर्सियां ही खाली नजर आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं बंगाल, उनसे आपने नहीं पूछा आप क्या करने आए हैं, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? उनसे आपने नहीं कहा होगा एक बार भी कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, उनको लेकर आप नहीं बोलते? आपने यहां आकर कह दिया कि क्या कहते हैं, हम गौ रक्षा को लेकर काम करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के नेता जो पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में पकड़े जाते हैं, तमाम तरीके के आरोप में पकड़े जाते हैं, आप जैसे पत्रकारों के लिए और देश के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, अगर आपके बच्चे कहें ना कि चिड़ियाघर घूमना है पापा या भैया चिड़ियाघर जाना है, तो उन्हें मना कर दो साहब, चिड़ियाघर ले जाके क्यों खर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर दिखा दो, सारे के सारे चिड़ियाघर में ही भरे हुए हैं ये। और आप ये समझिए, इस चिड़ियाघर के अंदर एक दो मुहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। अब तो सब तरीके के इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अब आप ये समझिए, मनोज तिवारी गाना गाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए भाजपा ही है। भाजपा एक चिड़िया खाना है, मदारियों की टोली है, इसमें सारे कलाकार इसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि गधा भी मुझे प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। जब देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा ले रहा है तो आपको और हमें क्या सिखाएगा बताइए। NRC और CA लागू होंगे, आज ने अमित शाह डिक्लेयर कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, NRC CA को तो लेके क्या दिया, आपकी भारतीय जनता पार्टी में जो बांग्लादेशी भरे हुए हैं उनको कब बाहर निकालेंगे आप, ये तो बताइए। अपने देश के लोगों पे तो जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको बड़े प्यार से आपने रखा है, सहेज के हैं। और आप सीधे तौर पर समझिए, कौन से बड़े लीडर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वहां उत्तर प्रदेश में जनता इंतजार कर रही है कि ये आए तो एक बार गली चौराहे पर इसको हम समझाएंगे, तो ये यहाँ कलकत्ता आके प्रचार कर रहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जो आप आए हैं, अगर आप बंगाल छोड़कर उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो नहीं दिखती आपको? कभी आप मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मरवाते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को मरवाते हैं, आप इस बात को समझिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सुनहरे फूल के गुलदस्ते की तरह हैं, और गुलदस्ते से एक भी सुनहरा फूल निकलेगा तो देश की रौनक खराब हो जाएगी, और हमें इस रौनक को बरकरार रखना है। ये हमारा ही एकमात्र देश है जहाँ दिवाली और रमजान की रौनक साथ देखने को मिलती है, और कहीं ये देखने को नहीं मिलती, तो इसे खत्म ना करें, बनाए रखें। बंगाल में दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं है, ये BJP की तरफ से बार बार इल्जाम लगाया गया। एक बात आप मुझे बताइए, दिल्ली में आप छठ पूजा नहीं मनाने देते, बंगाल के बगल में बिहार है, जब दुर्गा पूजा का विसर्जन, का प्रतिमा का विसर्जन हो रहा होता है तो गोलियां चलती हैं, उसको लेकर नहीं बोला जाता आपसे कि जहां पर आपने मूर्ति विसर्जन करवाया वहां तो आपने गोली चलवा दी? और यहां पर आपको एक बात बताऊं, आप अगर यहां कलकत्ता में दो कदम की दूरी पर चलेंगे ना तो दो कदम की दूरी पर मंदिर भी है और दो कदम की दूरी पर मस्जिद भी है। यहां से मंदिर से आरती की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है। ये खूबसूरती हमारे देश की है, समझ रहे हैं? और इस खूबसूरती को कभी भी कोई भी नेता आ जाए वो खत्म नहीं कर सकता। और आप चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व में कोई जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है बंगाल की भूमि जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की धरती से खदेड़ा था, और एक बार फिर बंगाल के लोगों को, इन अंग्रेजों की राह पे चलने वाले लोगों को और अंग्रेजों को मानने वाले लोगों को इस बंगाल की भूमि से खदेड़ना है। और एक बार हवाई चप्पल
कोल्हापुरी चप्पल की छाप ऐसी छोड़नी है कि वो कोल्हापुरी छाप चप्पल की छाप इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखाई दे, उत्तराखंड चुनाव में भी दिखाई दे और दिल्ली चुनाव में भी दिखाई दे। खेला बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई ने कि खेला हो आपकी बार अंतिम संस्कार, समझ रहे हैं आप, आपकी बार भाजपा का सूपड़ा साफ होगा यहाँ से, ये आप लिख के ले लीजिए। मोदी जी ने कहा ममता का खेल खत्म हमारा खेल शुरू। मोदी जी आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी का काम पता है क्या है? सच बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है और झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है, आप ये समझिए। अगर नरेंद्र मोदी जी का एक वादा भी सच्चा होता, आप मुझे बताइए मोदी जी के कोई भी वादा, आप ये मुझे बताइए इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ है रोजगार, है कहीं रोजगार आपको नजर आता? रेलवे बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ये तो कहते हैं कि भाइयों और बहनों मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, जनाब ने एयरपोर्ट ही बेच दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इनका काम ही है ये सिर्फ झूठ बोलने का। झूठ के अलावा अगर मोदी जी ने और आप जैसे देश में कुछ पत्रकार हैं उनों का स्तर इतना खराब हो गया कि अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया ना कि हाथी ने अंडा दिया है तो देश की मीडिया कहती है हाँ हमने उस अंडे का आमलेट खाया है, ये नहीं सोचते कि हाथी ने अंडा कैसे दे दिया, समझ रहे हैं? तो देश का किसान 100 दिन से सड़कों पर पड़ा हुआ है। एक बात आप सोच के देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या यहाँ बंगाल में चुनाव प्रचार करना जरूरी था या पहले किसानों से मिलके उनकी समस्या का समाधान करना जरूरी था? लेकिन मोदी जी आ गए छोड़कर, जैसे जसोदा बहन को छोड़ा वैसे ही किसानों को भी छोड़ दिया कि तुम भी ऐसे ही रहो। आज वो जसोदा बहन ना तो वो सुहागन रही ना विधवा रही, उनकी बिचारी की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। नाचने गाने वाला मनोज तिवारी ही यहाँ से दिले रिंकी आके पापा, समझ रहे हैं? अब वो IMA डिस्को डांसर ये मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी क्यों ज्वाइन करी पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के चिड़िया खाने। आपको बंगाल खतरे में नजर आ रहा है, बंगाल तो खतरे में नजर आएगा ही जब आपकी नेताइन कोकिन खाते हुए पकड़ी जाएंगी। नेताइन क्या कर रही है कोकिन खाते हुए? ये खेला तो होवेगा और इस खेला में जीत होगी हवाई चप्पल वालों की, समझ रहे हैं? सूट बूट वाली सरकार, सूट बूट वाली सरकार का पूर्ण रूप से क्रियाक्रम हो रहा है। आप ये देखिए एक हवाई चप्पल वाली ने, कोल्हापुरी चप्पल वाली ने सूट बूट वालों की हवा टाइट कर रखी है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में गाय जो गौ माता जो हो जाती है वो आपकी मम्मी हो जाती है और गोवा में वो खाने में यम्मी हो जाती है, है? अभी तो मिथुन चक्रवर्ती कह ही रहे हैं आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे कोबरा, तो कोबरा से आप समझिए कहीं कोबरा कहीं मोदी जी को न ढस ले। घर की छत के हम 4 पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, एक पिलर भी अगर गिरेगा ना तो पूरी छत ढह जाएगी, तो इस छत को ढहने नहीं देना। कलकत्ते में नंदीग्राम भी आप गए थे जी, तो क्या ममता बनर्जी से कोई सपोर्ट है आपको क्या? एक बात आप मुझे बताइए, हर खांसने वाला क्या केजरीवाल ही होता है देश में? अगर हर खांसने वाला केजरीवाल हो तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा केजरीवाल खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर देश के जितने भी किसान आए हैं तो उनके घर से क्या कोई चुनाव लड़ रहा है? वो इसलिए आए हैं अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए देश के किसान, कि कोई भी सरकार अगर देश में किसानों को परेशान करेगी तो उसका राजनीतिक वर्चस्व भी देश से मिटा दिया जाएगा, इसलिए देश का किसान उठ के कलकत्ता आया हुआ है। आना गलत है क्या? अपराध है कोई आना? नहीं आ सकते? हवाई चप्पल से, इस हवाई कोल्हापुरी चप्पल से सूट बूट वाले इतना डर रहे हैं कि किसी का तो हेलीकॉप्टर ही ऊपर घूमता रहता है, नीचे ही नहीं उतरता, और किसी की मैं कुर्सियां ही खाली नजर आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं बंगाल, उनसे आपने नहीं पूछा आप क्या करने आए हैं, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपने नहीं कहा होगा एक बार भी कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, उनको लेकर आप नहीं बोलते? आपने यहाँ आकर कह दिया कि क्या कहते हैं हम गौ रक्षा को लेकर काम करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के नेता जो पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में पकड़े जाते हैं, तमाम तरीके के आरोप में पकड़े जाते हैं, आप जैसे पत्रकारों के लिए और देश के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन अगर आपके बच्चे कहें ना कि चिड़ियाघर घूमना है पापा या भैया चिड़ियाघर जाना है तो उन्हें मना कर दो साहब, चिड़ियाघर ले जाके क्यों खर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर दिखा दो, सारे के सारे चिड़ियाघर में ही भरे हुए हैं ये। और आप ये समझिए इस चिड़ियाघर के अंदर एक 2 मुहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी, अब तो सब तरीके के इसमें मिथुन चक्रवर्ती। अब आप ये समझिए मनोज तिवारी गाना गाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए भाजपा ही है। भाजपा एक चिड़ियाखाना है, मदारियों की टोली है, इसमें सारे कलाकार इसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि गधा भी मुझे प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। जब देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा ले रहा है तो आपको और हमें क्या सिखाएगा बताइए। NRC और CA लागू होंगे, आज ने अमित शाह डिक्लेयर कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, NRC CA को तो लेके क्या दिया, आपकी भारतीय जनता पार्टी में जो बांग्लादेशी भरे हुए हैं उनको कब बाहर निकालेंगे आप, ये तो बताइए। अपने देश के लोगों पे तो जुल्म ढा रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी में जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको बड़े प्यार से आपने रखा है सहेज के, हैं? और आप सीधे तौर पर समझिए कौन से बड़े लीडर,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वहाँ उत्तर प्रदेश में जनता इंतजार कर रही है कि ये आए तो एक बार गली चौराहे पर इसको हम समझाएंगे, तो ये यहाँ कलकत्ता आके प्रचार कर रहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जो आप आए हैं, अगर आप बंगाल छोड़कर उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, वो नहीं दिखती आपको। कभी आप मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मरवाते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को मरवाते हैं। आप इस बात को समझिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सुनहरे फूल के गुलदस्ते की तरह हैं, और गुलदस्ते से एक भी सुनहरा फूल निकलेगा तो देश की रौनक खराब हो जाएगी, और हमें इस रौनक को बरकरार रखना है। ये हमारा ही एकमात्र देश है जहाँ दिवाली और रमजान की रौनक साथ देखने को मिलती है, और कहीं ये देखने को नहीं मिलती, तो इसे खत्म ना करें, बनाए रखें। बंगाल में दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से बार बार इल्जाम लगाया गया। एक बात आप मुझे बताइए, दिल्ली में आप छठ पूजा नहीं मनाने देते, बंगाल के बगल में बिहार है, जब दुर्गा पूजा का विसर्जन का प्रतिमा का विसर्जन हो रहा होता है तो गोलियां चलती हैं, उसको लेकर नहीं बोला जाता आपसे कि जहां पर आपने मूर्ति विसर्जन करवाया वहां तो आपने गोली चलवा दी। और यहां पर आपको एक बात बताऊं, आप अगर यहां कलकत्ता में दो कदम की दूरी पर चलेंगे ना तो दो कदम की दूरी पर मंदिर भी है और दो कदम की दूरी पर मस्जिद भी है। यहां से मंदिर से आरती की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है। ये खूबसूरती हमारे देश की है, समझ रहे हैं, और इस खूबसूरती को कभी भी कोई भी नेता आ जाए वो खत्म नहीं कर सकता। और आप चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरे विश्व में कोई जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है बंगाल की भूमि जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की धरती से खदेड़ा था, और एक बार फिर बंगाल के लोगों को, इन अंग्रेजों की राह पे चलने वाले लोगों को और अंग्रेजों को मानने वाले लोगों को इस बंगाल की भूमि से खदेड़ना है, और एक बार हवाई चप्पल कोल्हापुरी चप्पल की छाप ऐसी छोड़नी है कि वो कोल्हापुरी छाप चप्पल की छाप इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखाई दे, उत्तराखंड चुनाव में भी दिखाई दे और दिल्ली चुनाव में भी दिखाई दे। खेला बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई ने कि खेला हो आपकी बार अंतिम संस्कार, समझ रहे हैं आप, आपकी बार भाजपा का सूपड़ा साफ होगा यहाँ से, ये आप लिख के ले लीजिए। मोदी जी ने कहा ममता का खेल खत्म, हमारा खेल शुरू। मोदी जी आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी का काम पता है क्या है? सच बोलने के लिए राजा हरिश्चंद को जाना जाता है और झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। आप ये समझिए, अगर नरेंद्र मोदी जी का एक वादा भी सच्चा होता, आप मुझे बताइए मोदी जी के कोई भी वादा, आप ये मुझे बताइए, इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ है रोजगार, है कहीं रोजगार आपको नजर आता? रेलवे बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। ये तो कहते हैं कि भाइयों और बहनों मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, जनाब ने एयरपोर्ट ही बेच दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इनका काम ही है ये सिर्फ झूठ बोलने का। झूठ के अलावा अगर मोदी जी ने, और आप जैसे देश में कुछ पत्रकार हैं, उनका स्तर इतना खराब हो गया कि अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया ना कि हाथी ने अंडा दिया है तो देश की मीडिया कहती है हाँ हमने उस अंडे का आमलेट खाया है, ये नहीं सोचते कि हाथी ने अंडा कैसे दे दिया, समझ रहे हैं। तो देश का किसान 100 दिन से सड़कों पर पड़ा हुआ है। एक बात आप सोच के देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या यहाँ बंगाल में चुनाव प्रचार करना जरूरी था, या पहले किसानों से मिलके उनकी समस्या का समाधान करना जरूरी था? लेकिन मोदी जी आ गए छोड़कर, जैसे जसोदा बहन को छोड़ा वैसे ही किसानों को भी छोड़ दिया कि तुम भी ऐसे ही रहो। आज वो जसोदा बहन ना तो वो सुहागन रही ना विधवा रही, उनकी बिचारी की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। नाचने गाने वाला मनोज तिवारी ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, समझ रहे हैं। अब वो IMA डिस्को डांसर ये मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी क्यों ज्वाइन करी पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के चिड़िया खाने। आपको बंगाल खतरे में नजर आ रहा है, बंगाल तो खतरे में नजर आएगा ही जब आपकी नेताइन कोकिन खाते हुए पकड़ी जाएंगी। नेताइन क्या कर रही है कोकिन खाते हुए? ये खेला तो होवेगा और इस खेला में जीत होगी हवाई चप्पल वालों की, समझ रहे हैं। सूट बूट वाली सरकार, सूट बूट वाली सरकार का पूर्ण रूप से क्रियाक्रम हो रहा है। आप ये देखिए, एक हवाई चप्पल वाली ने, कोल्हापुरी चप्पल वाली ने सूट बूट वालों की हवा टाइट कर रखी है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में गाय जो गौ माता जो हो जाती है वो आपकी मम्मी हो जाती है, और गोवा में वो खाने में यम्मी हो जाती है, है? अभी तो मिथुन चक्रवर्ती कह ही रहे हैं आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे कोबरा। तो कोबरा से आप समझिए, कहीं कोबरा कहीं मोदी जी कोई न डस ले। घर की छत के हम 4 पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, एक पिलर भी अगर गिरेगा ना तो पूरी छत ढह जाएगी, तो इस छत को ढहने नहीं देना। कलकत्ते में नंदीग्राम भी आप गए थे जी, तो क्या ममता बनर्जी से कोई सपोर्ट है आपको क्या? एक बात आप मुझे बताइए, हर खांसने वाला क्या केजरीवाल ही होता है देश में? अगर हर खांसने वाला केजरीवाल हो तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा केजरीवाल खड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर देश के जितने भी किसान आए हैं तो उनके घर से क्या कोई चुनाव लड़ रहा है?
वो इसलिए आए अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए देश के किसान, कि कोई भी सरकार अगर देश में किसानों को परेशान करेगी तो उसका राजनीतिक वर्चस्व भी देश से मिटा दिया जाएगा। इसलिए देश का किसान उठ के कलकत्ता आया हुआ है। आना गलत है क्या? अपराध है कोई आना? नहीं आ सकते? हवाई चप्पल से, इस हवाई कोल्हापुरी चप्पल से सूट बूट वाले इतना डर रहे हैं कि किसी का तो हेलीकॉप्टर ही ऊपर घूमता रहता है, नीचे ही नहीं उतरता, और किसी की में कुर्सियां ही खाली नजर आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं बंगाल, उनसे आपने नहीं पूछा आप क्या करने आए हैं, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? उनसे आपने नहीं कहा होगा एक बार भी कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है, उनको लेकर आप नहीं बोलते? आपने यहां आकर कह दिया कि क्या कहते हैं, हम गौ रक्षा को लेकर काम करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के नेता जो पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में पकड़े जाते हैं, तमाम तरीके के आरोप में पकड़े जाते हैं, आप जैसे पत्रकारों के लिए और देश के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, अगर आपके बच्चे कहें ना कि चिड़ियाघर घूमना है पापा या भैया चिड़ियाघर जाना है, तो उन्हें मना कर दो साहब, चिड़ियाघर ले जाके क्यों खर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर दिखा दो, सारे के सारे चिड़ियाघर में ही भरे हुए हैं ये। और आप ये समझिए, इस चिड़ियाघर के अंदर एक दो मुहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। अब तो सब तरीके के इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अब आप ये समझिए, मनोज तिवारी गाना गाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए भाजपा ही है। भाजपा एक चिड़िया खाना है, मदारियों की टोली है, इसमें सारे कलाकार इसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि गधा भी मुझे प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। जब देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा ले रहा है तो आपको और हमें क्या सिखाएगा? एनआरसी और सीए लागू होंगे, आज ने अमित शाह डिक्लेयर कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, एनआरसी सीए को तो लेके क्या दिया, आपकी भारतीय जनता पार्टी में जो बांग्लादेशी भरे हुए हैं उनको कब बाहर निकालेंगे आप, ये तो बताइए। अपने देश के लोगों पे तो जुल्म ढा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको बड़े प्यार से आपने रखा है, सहेज के हैं। और आप सीधे तौर पर समझिए, कौन से बड़े लीडर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वहां उत्तर प्रदेश में जनता इंतजार कर रही है कि आए तो एक बार गली चौराहे पर, इसको हम समझाएंगे, तो ये यहाँ कलकत्ता आके प्रचार कर रहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जो आप आए हैं, अगर आप बंगाल छोड़कर उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो नहीं दिखती आपको? कभी आप मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मरवाते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को मरवाते हैं, आप इस बात को समझिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सुनहरे फूल के गुलदस्ते की तरह हैं, और गुलदस्ते से एक भी सुनहरा फूल निकलेगा तो देश की रौनक खराब हो जाएगी, और हमें इस रौनक को बरकरार रखना है। ये हमारा ही एकमात्र देश है जहाँ दिवाली और रमजान की रौनक साथ देखने को मिलती है, और कहीं ये देखने को नहीं मिलती, तो इसे खत्म ना करें, बनाए रखें। बंगाल में दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से बार बार इल्जाम लगाया गया। एक बात आप मुझे बताइए, दिल्ली में आप छठ पूजा नहीं मनाने देते, बंगाल के बगल में बिहार है, जब दुर्गा पूजा का विसर्जन का प्रतिमा का विसर्जन हो रहा होता है तो गोलियां चलती हैं, उसको लेकर नहीं बोला जाता आपसे कि जहां पर आपने मूर्ति विसर्जन करवाया वहां तो आपने गोली चलवा दी? और यहां पर आपको एक बात बताऊं, आप अगर यहां कलकत्ता में दो कदम की दूरी पर चलेंगे ना तो दो कदम की दूरी पर मंदिर भी है और दो कदम की दूरी पर मस्जिद भी है। यहां से मंदिर से आरती की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है। ये खूबसूरती हमारे देश की है, समझ रहे हैं? और इस खूबसूरती को कभी भी कोई भी नेता आ जाए वो खत्म नहीं कर सकता। और आप चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरे विश्व में कोई जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है बंगाल की भूमि जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की धरती से खदेड़ा था, और एक बार फिर बंगाल के लोगों को, इन अंग्रेजों की राह पे चलने वाले लोगों को और अंग्रेजों को मानने वाले लोगों को इस बंगाल की भूमि से खदेड़ना है। और एक बार हवाई चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल की छाप ऐसी छोड़नी है कि वो कोल्हापुरी छाप, चप्पल की छाप इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखाई दे, उत्तराखंड चुनाव में भी दिखाई दे और दिल्ली चुनाव में भी दिखाई दे। खेला बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई ने कि खेला हो, अब की बार अंतिम संस्कार, समझ रहे हैं आप, अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा यहाँ से, ये आप लिख के ले लीजिए। मोदी जी ने कहा ममता का खेल खत्म, हमारा खेल शुरू। मोदी जी आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी का काम पता है क्या है? सच बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है और झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। आप ये समझिए, अगर नरेंद्र मोदी जी का एक वादा भी सच्चा होता, आप मुझे बताइए मोदी जी के कोई भी वादा, आप ये मुझे बताइए, इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ है रोजगार? है कहीं रोजगार आपको नजर आता? रेलवे बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। ये तो कहते हैं कि भाइयों और बहनों मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, जनाब ने एयरपोर्ट ही बेच दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इनका काम ही है ये सिर्फ झूठ बोलने का।
झूठ के अलावा अगर मोदी जी ने और आप जैसे देश में कुछ पत्रकार हैं उनको स्तर इतना खराब हो गया कि अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया ना कि हाथी ने अंडा दिया है तो देश की मीडिया कहती है हाँ हमने उस अंडे का आमलेट खाया है, ये नहीं सोचते कि हाथी ने अंडा कैसे दे दिया, समझ रहे हैं। तो देश का किसान 100 दिन से सड़कों पर पड़ा हुआ है। एक बात आप सोच के देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या यहाँ बंगाल में चुनाव प्रचार करना जरूरी था या पहले किसानों से मिलके उनकी समस्या का समाधान करना जरूरी था, लेकिन मोदी जी आ गए छोड़कर, जैसे जसोदा बहन को छोड़ा वैसे ही किसानों को भी छोड़ दिया कि तुम भी ऐसे ही रहो। आज वो जसोदा बहन ना तो वो सुहागन रही ना विधवा रही, उनकी बिचारी की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। नाचने गाने वाला मनोज तिवारी ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, समझ रहे हैं। अब वो आईएमए डिस्को डांसर ये मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी क्यों ज्वाइन करी पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के चिड़िया खाने